समस्याएं सुनने को मिलती थी कि कॉमनली बुखार आ जाता था, कॉमनली वायरल हो जाता था, इसी तरीके से कॉमनली आजकल लोगों में पथरी देखने को मिल रही है। तो पथरी आखिर क्या होती है, सबसे पहले आपके जरिए लोगों को बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आज मुझे सी न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मंच पर आकर के आम जनता को पथरी के बारे में कुछ जो आम भ्रांतियां हैं उनको मिटा सकूं और कुछ जानकारी दे सकूं। देखिए, जैसा आपने कहा कि पहले फोड़ा, फुंसी, बुखार ये सब बहुत होता था और अब पथरी के बारे में हर मरीज को पथरी है, ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। अब यह है कि आदमी जागरूक ज़्यादा हो गया है, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज जैसे अल्ट्रासाउंड हर गली मोड़ चौराहे पे उपलब्ध है, आदमी जाता है तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लेता है और उसमें पथरी सामने आ जाती है, फिर वो परेशान होता है कि मेरी पथरी है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि पथरी ऐसा नहीं है जैसा आपने कहा कि गुर्दे में और पित्त की थैली में ही होती है, पथरी शरीर में काफ़ी ढेर सारी जगहें होती है, कई अंगों में होती है, जैसे मुंह के अंदर एक ग्रंथि होती है जैसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं जो कि हमारे मुंह में थूक बनाती है, इस ग्रंथि में भी पथरी हो जाती है, पित्त की थैली में जैसा कि सब जानते हैं पथरी होती ही है, पित्त की नली में पथरी आ जाती है, पैनक्रियाज में पथरी होती है और गुर्दे, गुर्दे की नली और मसाने में भी पथरियां बनती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी लोगों की टुंडी में भी पथरी बन जाती है। खैर, हम उन सब बाकी विषयों पर आज चर्चा ना करते हुए हम अपने आप को दो जगह की पथरियों पर फोकस करेंगे, वो है नंबर वन गुर्दे की पथरी और नंबर दो पित्त की थैली की पथरी, जो कि अमूमन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा लोगों को कष्ट देने वाली पथरी है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने के लिए अपने साथ में चीज़ें भी लाए हैं, तो जानना चाहेंगे एक एक करके कि आखिर क्या चीज़ है ये और इसमें किस तरीके से आप इसको दिखा करके पथरी का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं दो चीज़ों पर आज प्रकाश डालूंगा, नंबर वन गुर्दे की पथरी व पित्त की थैली की पथरी। ये जो मेरे लेफ्ट साइड रखा हुआ है ये गुर्दे की पथरियां हैं और जो ये दो छोटी शीशियों में हैं ये मेरे मरीज जिनकी पथरी नली में जो फंसी हुई थी मसाने में या गुर्दे में जिनकी निकल गई है पथरी, वो स्वयं बीन बीन के लाते हैं और दिखाते हैं कि साहब मैं ये पथरियाँ पास करता रहता हूँ, स्वतः पास करता हूँ या किसी डॉक्टर का इलाज लेके ये पथरियाँ पास होती हैं। ये दोनों शीशियाँ वो हैं, देखिए काफ़ी बड़ी पथरी है, करीबन 5 mm की पथरी है या 4 mm की होगी जो कि निकली हुई है। ये पथरी ऑपरेशन द्वारा निकाली गई हैं, ये पूरी चेन है पथरियों की, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गौर से देखें ये बहुत बड़ी पथरी है और ये छोटी 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 पथरियाँ होती गई हैं। एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल होता है, मरीज आता है साहब ये पथरियां बनती किस लिए हैं, दूसरा आता है साहब मैंने तो आज तक 5 सुपारी भी नहीं खाया और तो भी मुझे पथरी बन गई। तो सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि 5 सुपारी से मैं गलत संदेश सबसे पहले नहीं देना चाहूंगा, ठीक है 5 सुपारी गुटखा मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु 5 सुपारी गुटके का पथरी से कोई लेना देना नहीं है। हम मरीज को डायरेक्टली मना भी नहीं करते हैं, अगर तुम नहीं खा रहे हो भैया तो बहुत अच्छी बात है, इसे खाना नहीं, इससे भी हो सकती हैं इन फ्यूचर शायद गुटके पान मसाले से भी पथरी का कोई कोरिलेशन आ जाए, फिलहाल इट इज नॉट अ नोन फैक्टर। अब रहा सवाल पित्त की थैली के पथरी, ये देखिए ये दो स्पेसिमेंट्स हैं, ये पित्त की थैली है जिसमें पथरियां भरी हुई हैं, ये पित्त की थैली मैंने काट दी है और ये सारी नीचे के हिस्से में पथरियां बैठी हुई हैं। अगर आपको दिखें ये अलग अलग किस्म की पित्त की थैलियां की पथरियां हैं जो कि ऑपरेटेड हैं, मैंने निकाली हुई हैं, बड़ी सुंदर पथरियां हैं, बिल्कुल पथरी पित्त की थैली में इस तरीके से बनती है जैसे सीप के अंदर मोती। इसकी भी अलग अलग भ्रांतियां हैं कि पथरी क्यों बनती है, किसी में बनती है किसी में नहीं बनती है जी। हम लोग उसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे, पर हाँ कुछ कारण हैं जिन्हें जाना जाता है कि इन जिनसे पथरी बनती है और ज्यादातर कारण ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं जाना जाता है। इनके वेरियस केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट से बनती हैं, कुछ कैल्शियम
बिलुबरेनेट स्टॉल से बनती हैं, इनसे ये मिल मिल करके कुछ कोलेस्ट्रॉल की पत्थरियाँ होती हैं, जैसे ये सिंगल स्टोन है, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, तो ये अलग अलग केमिकल्स की पत्थरियाँ होती हैं। तो ये मैंने एक जनरल लोगों के, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें डॉक्टर समीर कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि सीनियर सर्जन है, जनरल सर्जन है, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं स्टोन प्रॉब्लम के ऊपर यानी पथरी की परेशानी के ऊपर जो कि पित्त की थैली में भी हो सकती है, आपके गुर्दे में भी हो सकती है, इसके अलावा आपके शरीर के कई और अंग होते हैं जहाँ पर हो सकती है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि जो ज़्यादा दिक्कत पथरी आपको करती है वो गुर्दे या पित्त की थैली की पथरी हो सकती है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पित्त की थैली की अगर हम बात करें पथरी की या पहले गुर्दे की पथरी की बात करते हैं तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण आखिर क्या होते हैं जिनको देख कर हम ये जान पाए कि इस तरीके की कोई परेशानी अराइज हो रही है यानी उठने वाली है वो परेशानी या फिर वो हो चुकी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है और इससे नॉर्मल जनता को एक जानकारी मिले। देखिए जो सबसे पहले हम गुर्दे की पथरी की बात करेंगे, जो अमूमन सिम्टम होता है वो होता है दर्द। जो गुर्दे का दर्द होता है वो बड़ा पिक्यूलियर दर्द होता है, वो कमर में पीछे से शुरू होता है, पिछले हिस्से में कमर के शुरू होता है और घूमता हुआ पेट में आगे आता है और फिर पेट के निचले हिस्से में पेशाब के रास्ते तक अमूमन वो दर्द जाता है। ऐसा नहीं है सब में वैसे जाता है, बट यूजुअली पीछे से कमर के पास से शुरू होके घूमता हुआ आगे पेट में आके पेशाब के रास्ते तक आगे जाता है। किसी किसी मरीज को बार 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 पेशाब जाने का लगता है कि मैं बार बार पेशाब जाऊं और पेशाब खुल के नहीं होता है। किसी किसी मरीज को पेशाब में रुकावट होती है, बहुत कस के जलन होती है और पेशाब के एंड में कभी कभी या लाल रंग का पेशाब आता है, जलन होती है, सर्दी लग के बुखार आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स आपके पित्त की, सॉरी जो गुर्दे के नली में